ये बिजली कनेक्शन काम चालू है, वो जरा बढ़ाएंगे नहीं, हम बांध साथ देंगे, कह चुके हैं आपको। तो कमी नहीं रखी जो कहा है, हमने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया। अब आपकी बारी है, कृपा करके आपने इतनी बड़ी तादाद में हम लोग पढ़ा ले, छोटे से बैठे हुए बड़े वार्डों में, कृपा करके आप बांटने की चीज भारी लोगों से कामयाब करें। बाढ़ में वसुंधरा जी का लगता है कि विश्व में भेद किया पिछले चुनाव के अंदर जसवंत सिंह जी के साथ, एक अलग कहानी है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार चलता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं कि एक चीज के पीछे बड़े अलग अली चौधरी जी और उम्मीदवार थे, माधव जी हमारे साथ भी थे उस वक्त में, जसवंत जी खड़े हो गए इंडिपेंडेंट, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। आप कल्पना करो, जसवंत सिंह जी देश में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उस व्यक्ति का बिना कोई कांड टिकट कटवा दिया और टेलीफोन किया वसुंधरा जी खुद ने, आप कई नेताओं को कांग्रेस नेताओं भी फोन कर दिया, सब मैं आपके काम करूंगी, आप तो जसवंत सिंह को हराओ चुनाव। जिसके दिन में आग लगी हुई हो ऐसी दुश्मनी जी बदले लेने की भावना थी, आप सोच सकते हो उनसे क्या उम्मीद करें, कैसे वो शासन करेगी। जो पुराग रखते हो, दुश्मनी रखते हो, वो कभी अच्छा फसल नहीं दे सकते देश को। लोकतंत्र में बड़ा दिन रखना पड़ता है, चाहे विपक्षी पार्टियां हो उनकी बात सुननी पड़ती है, आपका आलोचक भी हो पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, सही बात कहता उसकी भी बात सुननी चाहिए। अन्याय अत्याचार उस पर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो वसुंधरा जी की राजनीति जिस प्रकार से बदल लेने की राजनीति थी, वो मुझे आज तक भी समझ के पले हैं किस प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके लोगों से बदला लिया। हमारे एक साथी कांग्रेस के कर्ण सुंदराम जी मेरे बड़े अच्छे साथी थे, वो मुझसे बड़े प्रेम रखते थे, मेरे साथ प्यार था, स्नेह था, हम लोग पार्लियामेंट में साथ थे और मैं उनको पहली बार पार्लियामेंट लेके गया था, टिकट मैंने दिया था उन्होंने पहला टिकट पार्लियामेंट के लिए, डॉक्टर मेहता साहब की सरकार थी उस जमाने के अंदर, कि भाई आप मेरा आदमी है, सोरा मैं पीसी की प्रेजिडेंट भी था उस वक्त, इसको टिकट देना आपको, नफीबाजी थे प्राइम मिनिस्टर, उनको टिकट दिया, कांग्रेस के अंदर बहुत ध्यान रखा, हाईकमान ने ध्यान रखा, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एम एल पटेल साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुडा जी ने, सारे दोस्त वहां पर इनके साथी बन गए और मुझसे उन्होंने खूब हिस्से निभाए। पर पता नहीं घर में रह करके तो आपस में नाइंसाफी होती है, कभी कोई नाराज नहीं हो सकती आपस के अंदर। मैं तो हमेशा उनके कैंपेन में भी आया, जब उन्होंने कहा मुझे तब भी हाईकमान का तब भी मैं कैंपेन में आया, हरीश चौधरी भी मालूम है, अमित खान साहब भी मालूम है, फाती साहब जिंदा नहीं रहे, तो मैंने कोई कमी नहीं रखी। पर पता नहीं किन कारणों से वो कांग्रेस में मेरे बना दिया। अब पार्टी छोड़ते क्यों गए बीजेपी में, ये एक रहस्य है, पता नहीं क्यों गया। और वो टिकट मिल गया जाते ही, और टिकट मिल गया तो हमने तो उनको 15 साल तक साथ निभाया, उनसे कभी शिकायत किसी से नहीं करी। और वसुंधरा जी के दिन 5 साल में क्यों भर गया, उनसे 5 साल में क्यों भर गया, टिकट काटने का सुख था, कुछ तो क्या क्या, इतना लंबा लड़ा आदमी है वो, कर्नल रावा है, मजबूती से बात करता, आपने बात करता मजबूती से है, भेजा था एक से वो, उस आदमी का टिकट काटने का सुख क्या हो, शबर से पर है। और दिया किसको, वो मेरे पुल बढ़ता हूं उनके बता दिया, मेरी सचमुच क्या
तो आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी में कैसे कैसे फैसले होते हैं। अभी तो यह है बीजेपी के जो मंत्री केंद्र में हैं, उन सब भी हमें खिला रहे हैं राजस्थान के अंदर। एक का टिकट कर गया शिवराज चौधरी जी का नागौर से, एक जोधपुर लड़ गए हमारे केंद्रीय मंत्री शेखाव साहब, एक पीपी चौधरी साहब लड़ रहे हैं पाली से लड़ रहे हैं, एक लड़ रहे हैं जयपुर ग्रामीण से हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, और एक कौन है बाकी भाई अर्जुन मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल जी लड़ रहे हैं बीकानेर। मैं अभी बीकानेर से आया हूँ, नाइट होल्ड मेरा वहीं था। सारे मंत्रियों की स्थिति ऐसी हुई है ना डर के ना काट के, और बहुत ही आक्रोश है लोगों के अंदर। क्या कारण है भाई, पांच साल में चारों लोग नए हैं, एक एक टर्म इनका हुआ काली पानी 15-20 साल में रह जाए तब तो नाएगी फैला होते लोगों। पहली बार MLA MP बने, पहली बार मंत्री बने वो दुष्यंत सिंह जो बेटा, चार बार MP का मसूदा जी बेटा, उसको नहीं बनाया मोदी जी ने, नहीं बनाया चार बार MP का। और यहां पहली बार के MPO को बना दिया केंद्रीय मंत्री, कोई बात नहीं। चारों की स्थिति खराब थी, आप सोच सकते हो कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति क्या है 25 सीटों का, ये सोचना आप। इसलिए आप लोग दमखम के साथ में आगे आए, आप खुद देखेंगे कभी से कभी जोड़ोगे यूपी गवर्नमेंट बनेगी, राहुल गांधी नेतृत्व में फैसले होंगे जो मैनिफेस्टो हमने किए हैं। मैनिफेस्टो बहुत शानदार है, देश में पहली बार जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाया राहुल गांधी ने, जनता को पूछ के बनाया। नरेंद्र मोदी जी लोग मन की बात थोपते हैं, राहुल जी ने कहा नहीं हमें मन की बात नहीं थोपनी है, हमें इस देश की जनता जो है उसके मन की बात सुननी है। किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब वर्गों की बात सुनो, उनकी आवाज को मिलाओ और मैनिफेस्टो बनाओ, वो किया गया। ये शानदार मैनिफेस्टो बना है, अगर आप उन्हें वादे जो पढ़ेंगे आपको लगेगा कि राहुल गांधी की सोच किस प्रकार की है देश के लिए, देशवासियों के लिए। वो कहते हैं वो करके दिखाने की मर्जा रखते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, कृपा करके आप लोग आए हैं, हवा बहुत आपके पक्ष में है, एक रिकॉर्ड काम करो, बाद में सीट से एक वोट कीमती होता है, आप लोग जाके मिलकर के शानदार तरीके से चिंतन करो, और भाई मानव सिंह जी आप लोग क्या करो ये मुझे आपसे कहना था, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं दूसरी पार्टी छोड़ के जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं